सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले का जो मेरा इस टॉपिक से संबंधित वीडियो था उसका नाम था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सब टॉपिक्स पार्ट वन। अब जो सब टॉपिक्स हैं उनमें कुछ टॉपिक रह रहे थे, तो सब टॉपिक्स का पार्ट टू मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आज देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखना। तो अभी से प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब इसमें देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस अब इम्परेटिव सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार से प्रारंभ होते हैं। वी वन से, डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से, और लेट या लेट से। तो इनका प्रत्येक अलग अलग रूल है, अलग अलग सिंटेक्स है, उसके आधार पर इनको पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं वी वन से। तो इम्परेटिव सेंटेंस में पहला टॉपिक है वी वन से प्रारंभ। वी वन से अब इसमें मैंने उदाहरण लिखा ओपन द डोर। ओपन वी वन है, ये वी वन है, इसके बाद में दी डोर इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो, ये एक्टिव वॉइस है। इम्परेटिव सेंटेंस में वी वन से प्रारंभ है, अब इसको पैसिव में बदलना है। तो इसका पैसिव बनेगा लेट दी डोर बी ओपन्ड। अब इसकी सिंटेक्स क्या है? इसकी सिंटेक्स है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, ये इसकी सिंटेक्स है। तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वी थ्री। तो इम्परेटिव सेंटेंस में अगर वी वन से कोई वाक्य प्रारंभ है फर्स्ट फॉर्म से, तो उसका पैसिव बनाने के लिए इस सिंटेक्स को यूज करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। ईजी सिंटेक्स है, ईजी लर्निंग है, ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डू नॉट से। इसी वाक्य को कन्वर्ट कर लेते हैं, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इम्परेटिव में पॉजिटिव। अब डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, इम्परेटिव में नेगेटिव। अब कोई भी वाक्य अगर वी वन से प्रारंभ है इम्परेटिव में, तो उसको अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो उसके पहले डू नॉट का प्रयोग होता है। अब इसकी सिंटेक्स, तो इसकी सिंटेक्स उसी पॉजिटिव से बनेगी, तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। एक तरीका तो ये है, एक इसका अथवा और है। उस अथवा में नॉट दूसरे स्थान पर भी आ सकता है। तो लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड। तो ये जो है डू नॉट ओपन द डोर इम्परेटिव में नेगेटिव, इसके दो पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड या लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड। अब इसकी सिंटेक्स भी डबल होंगी, तो इसकी सिंटेक्स
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी थ्री। तो जो इससे पहले सिंटेक्स देखी थी वी वन से प्रारंभ, उसमें कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, उसी में तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग हो रहा है। लेकिन एक अथवा की सिंटेक्स और है, यहाँ पर दो पेसिव वॉइस बने हुए हैं। तो अथवा की सिंटेक्स में ये जो ऑब्जेक्ट प्लस नोट है ये आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब नोट दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर पहुँच जाएगा। तो लेट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, ये इसकी सिंटेक्स है। यदि डू नोट से प्रारंभ है तो दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल है। अब इसके बाद देखेंगे इंपरेटिव का थर्ड टाइप, लेट या लेट्स से प्रारंभ। तो ये टॉपिक है लेट या लेट्स, और लेट्स की फुल फॉर्म होती है लेट अस से। एक्टिव में वाक्य किस प्रकार से आएगा, लेट हिम ओपन दी डोर, इस प्रकार से वाक्य आएगा। कई विद्यार्थी जो लेट्स है उसकी फुल फॉर्म लेट इज समझ लेते हैं, तो मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है लेट अस से। अब वाक्य इस तरीके से आएगा, लेट हिम ओपन दी डोर, मतलब लेट से प्रारंभ होगा। तो लेट के जस्ट बाद जो शब्द होगा वो या तो कोई नाउन होगा व्यक्ति का नाम, या फिर होगी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, हिम हो सकता है, मी हो सकता है, हर हो सकता है। तो इसका आप नाम रख लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में लेट तो पहचान है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ओपन है वी वन, और इसके बाद जो दी डोर है ये है सेकंड ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब कैसे ये पैसिव बनेगा इसका, तो लेट दी डोर बी ओपन्ड बाय हिम, लेट द डोर बी ओपन्ड बाई हिम। अब इसकी सिंटैक्स कैसे बनेगी, लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये इसकी सिंटैक्स हो गई। तो सबसे पहले लेट, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट जो उधर है वी वन के बाद, तो लेट दी डोर, फिर बी, फिर वी थ्री, फिर बाय, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इधर जो भी होगा, हिम होगा तो हिम का हिम लिख देंगे, हर होगा तो हर का हर लिख देंगे, या अगर कोई व्यक्ति का नाम होता तो वो नाम लिख देते। तो ये लेट या लेट से जो प्रारंभ होंगे उसकी सिंटेक्स रहेगी। अब अगर लेटस या लेट्स उससे प्रारंभ होता तो इस जगह जो अस आता तो उधर फिर बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसलिए नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले एक टॉपिक बताया आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, उसमें वी और दे को अनइम्पोर्टेंट माना है, इसलिए बायस लगाना आवश्यक नहीं है। तो लेट प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर ये सिंटेक्स आपको याद है अच्छी तरीके से, समझ में आ गई है, तो कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव में जो लेट से प्रारंभ होता है उसका इजीली पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अब इसके बाद में देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का फोर्थ टाइप, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ। अब प्रारंभ करते हैं इसका फोर्थ टाइप, प्लीज या काइंडली से। प्लीज और काइंडली दोनों शब्द इंग्लिश में होते हैं एडवर्ब, ये दोनों रिक्वेस्ट के प्रतीक हैं, निवेदन के प्रतीक हैं। जैसे प्लीज ओपन द डोर, अब इसका पेशियो बनाना है। शुरुआत में आपको प्लीज मिल जाएगा या
काइंडली, उसके बाद ओपन वी वन है और उसके बाद दी डोर ऑब्जेक्ट है। तो इसका सबसे सरल तरीका बनाने का है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर। मतलब शुरू में जो प्लीज या काइंडली आएगा उसको तो हटा दीजिए, और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू इसका प्रयोग करना है। उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर इंग्लिश में रूल है ही टू प्लस वी वन, तो टू के बाद अपने आप ये सेंटेंस वी वन से सेट हो जाएगा। तो अगर कोई भी वाक्य प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है और उसका पेसिव बनाना है तो प्लीज या काइंडली को हटा दीजिए और उसके स्थान पर प्रयोग कीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के जो चारों टाइप्स हैं उनका पेसिव बनाना मैंने आपको बताया। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो वी वन है लेकिन उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर पेसिव कैसे बनेगा? तो उसके लिए आगे एक मेन सिंटेक्स देखेंगे कि वो जो सिंटेक्स है उसको किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वी वन से प्रारंभ है और ऑब्जेक्ट दे रखा है तब भी उस सिंटेक्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो चारों टाइप्स हैं ये तो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब देखेंगे मेन सिंटेक्स कि अगर एक शब्द भी दे रखा है, केवल वी वन भी हो सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो भी पैसिव वॉइस कैसे पॉसिबल है। अब आगे देखेंगे मेन सिंटेक्स पर आधारित वाक्य। अब जैसे ये शब्द है फायर, फायर ऐसे लिखा गया, अब इसका पैसिव बनाना है। अब वैसे तो फायर यानी आग होता है लेकिन वो तो नाउन के रूप में है। अब यहाँ तो वी वन है, फायर, फायर का मतलब गोली चलाना, फायर से शब्द बनता है फायरिंग। जैसे कई बार पुलिस गोलीबारी करती है, कई बार कोई दंगे वगैरह होते हैं तो फायरिंग हो जाती है। तो केवल फायर आया है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है। अब केवल एक शब्द वी वन से प्रारंभ है और वाक्य समाप्त हो गया। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए यू आर ordered to fire, ये इसका पैसिव बन गया, यू आर ordered to fire। सिंटेक्स कैसे बनी? सिंटेक्स, अब सिंटेक्स में यू आर प्लस ordered भी आ सकता है, इसमें advised भी आ सकता है, रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, या आस्क्ड भी आ सकता है, प्लस टू प्लस वी वन, ये सिंटेक्स है। इसमें किसी भी सेंटेंस को सेट कर सकते हैं। अब जैसे फायर, अब फायर तो डेफिनेटली आदेश ही है, तो यू आर, अब अगर आदेश हो तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है, सलाह हो तो एडवाइज्ड का करना है, निवेदन हो तो रिक्वेस्टेड का करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क्ड का भी कर सकते हैं, आपको एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है कि आदेश है या सलाह है, और इसके बाद टू प्लस वी वन। तो फायर, अब फायर तो निश्चित रूप से आदेश है, तो इसमें से लिया यू आर, अब इन चारों में से कौन सा वर्ड ले लिया? ऑर्डर्ड, क्योंकि ये आदेश है, और ऑर्डर्ड के बाद में टू फायर, टू प्लस वी वन। अब जैसे इस प्रकार के वाक्य होते हैं, सिट डाउन, स्टैंड अप, हरी अप, तो इस प्रकार के वाक्यों का पेसिव इस मेन सिंटेक्स से बना सकते हैं। अब अगर ये नेगेटिव होता तो कैसे इसका पॉसिबल होता पेसिव, उसका तरीका देखना है। जैसे फायर की जगह होता है कि डू नॉट फायर, तो क्या करते इसमें नॉट कौन सी जगह सेट करते? तो फिर इसमें नॉट सेट होता इस स्थान पर, यहाँ नॉट लगता कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू फायर। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे अभी जिनमें सलाह दिखाई देती है, तो वो उस तरीके से भी बन सकते हैं, मेन सिंटेक्स में भी बन सकते हैं। अब जैसे ईट फ्रूट्स, वी वन से प्रारंभ है, तो एक तो इसका वो तरीका हो गया लेट ऑब्जेक्ट बी वी थ्री, कि लेट फ्रूट्स बी ईटन, और एक तरीका ये हो गया कि फल खाओ, मान लो ये डॉक्टर की सलाह है, तो यू आर इनमें से एडवाइज्ड
टू ईट फ्रूट्स, एक तरीका ये हो गया। और अगर इसको नेगेटिव करना है तो ये जो चारों मैंने शब्द बताए हैं एक्सप्रेशन के आधार पे जो सेट करने हैं उसके जस्ट बाद नोट का प्रयोग कर देना है। जैसे आपको बताया कि डू नॉट फायर, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू फायर। तो इस प्रकार से इम्परेटिव जो सेंटेंस है उसके जो चारों टाइप्स हैं वी वन से, डू नॉट से, लेट या लेट से और प्लीज या काइंडली से, उनका पैसिव आसानी से बनाया जा सकता है। और फिर भी अगर किसी वाक्य में कोई कन्फ्यूजन है या किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट इस प्रकार का नहीं है जिसको कि पैसिव बनाने में यूज कर सकें, तो फिर इस सिंटेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस सिंटेक्स का मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर बता दिए कि अगर नोट लगाना है तो नोट इन चारों शब्दों के बाद में सेट होगा, मतलब टू के जस्ट पहले, कि इसमें है टू प्लस वी वन, और अगर ये नेगेटिव होता डू नोट से प्रारंभ होता तो हो जाता नोट टू प्लस वी वन। अब इसके बाद में देखेंगे अगला टॉपिक एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये टॉपिक है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब का एक प्रकार है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन से शब्द आते हैं, तो मोस्टली तो वो शब्द आते हैं जिनके अंत में होता है एल वाई, जैसे कि केयरफुली, ब्रेवली, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी आ सकते हैं, जैसे अभी ऑफन है, स्टिल है, वेल है, वेरी वेल है, मच है, वेरी मच है, इत्यादि। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान क्या है, मोस्टली जिनके अंत में एल वाई का प्रयोग हो। लेकिन कुछ शब्द अन्य भी हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, जैसे ऑफन है, स्टिल है, वेल, वेरी वेल, मच, वेरी मच, ये सब एडवर्ब्स हैं। इसमें आपको पैसिव बनाना नहीं सीखना, पैसिव बनाना तो आपको आता है। ये इस प्रकार का वाक्य किसी भी टेंस में आ सकता है या अन्य किसी सब टॉपिक में आ सकता है। आपको इनकी पोजीशन सीखनी है कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हो गया तो फिर पैसिव बनाते समय एडवर्ब ऑफ मैनर को सेट कहाँ करना है। तो इसके लिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, ही राइट्स दिस लेटर केयरफुली। ये वाक्य है, ही राइट्स दिस लेटर केयरफुली। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट्स वी वन में एस सी आई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो केयरफुली है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो पैसिव बनाते समय एडवर्ब ऑफ मैनर को सेट करना है वी थ्री के जस्ट पहले। अगर इसको लास्ट में लिख दिया जैसे कि एक्टिव में लिखा हुआ है तो ये पैसिव गलत माना जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर की जो पोजीशन है वो पैसिव बनाते समय वी थ्री के जस्ट बिफोर होती है। अब इसका पैसिव बनाना शुरू करते हैं। अब राइट्स आया है तो इजारेम लगेगा, तो सबसे पहले जैसे दिस लेटर, अब दिस लेटर के साथ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इजारेम में से इज। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी थ्री, अब वी थ्री का प्लेस है लेकिन वी थ्री से पहले सेट कर दो एडवर्ब ऑफ मैनर, तो दिस लेटर इज केयरफुली हो गया यहाँ तक, दिस लेटर इज केयरफुली। इसके बाद रिटर्न, रिटर्न बाय हिम, दिस लेटर इज केयरफुली रिटर्न बाय हिम। बस ये पोजीशन आपको सीखनी है। अगर इस केयरफुली का प्रयोग जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है जैसे एक्टिव में लास्ट में था, अगर पैसिव में लास्ट में कर दिया होता तो ये गलत है, फिर इसका पैसिव वॉइस गलत माना जाएगा। तो इसमें तो केवल इतना ही सीखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग पैसिव बनाते समय वी थ्री के जस्ट पहले करते हैं। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है प्रीपोजिशनल सेंटेंस। अब इसके बाद प्रारंभ करते हैं अगला टॉपिक प्रीपोजिशनल सेंटेंस। प्रीपोजिशनल सेंटेंस,
अब जैसे ये वाक्य मैंने लिखा कि ही पुट्स ऑन दिस ड्रेस, अब पुट तो मेन वर्ब है जिसका इंद्रिय उत्तर रखना, लेकिन ये पुट के साथ ओन आया है, ये फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में, जैसे पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना, पुट आउट बुझाना। तो कोई भी जो मेन वर्ब का शब्द होता है उसके जस्ट बाद में प्रीपोजिशंस लग करके इनके जो अर्थ बदलते हैं तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है फ्रेजल वर्ब। तो प्रीपोजिशनल सेंटेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे ही आ गया, ही तो सब्जेक्ट है, दिस ड्रेस ऑब्जेक्ट है, अब पुट में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, कर्ता एक वचन है, इसलिए वी वन में एस या एस लगा हुआ है। तो पेसिव बनाते समय ये जो पुट के बाद ओन है, तो पेसिव बनाते समय भी इस ओन को पुट के बाद ही रखना है, मतलब ये दोनों साथ साथ हैं। प्रीपोजिशनल सेंटेंस की पोजिशनिंग में सिर्फ इतना सा समझना है। अब इसको पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले दिस ड्रेस, आप दिस ड्रेस के साथ इज आर एम में से क्या यूज करेंगे, इज। इसके बाद में पुट, पुट की वी थ्री, पुट की वी टू, तीनों समान होती है। पुट ऑन बाय हिम, तो ही पुट्स ऑन दिस ड्रेस, तो दिस ड्रेस इज पुट ऑन बाय हिम, मतलब एक्टिव में भी पुट के बाद ऑन था तो पेसिव में भी पुट के बाद ही ऑन का प्रयोग होगा, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब जैसे लुक एक शब्द है, मेन वर्ब है लुक, देखना। अब लुक एट ध्यान से देखना, लुक फॉर तलाश करना, सर्च जो चलता है, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इन टू ध्यान देना। तो जो मेन वर्ब के जस्ट बाद जो प्रीपोजिशन है और फिर उसका अर्थ चेंज हो रहा है, इसका नाम है फ्रेजल वर्ब। तो पेसिव बनाते समय जैसे पुट के बाद ऑन प्रीपोजिशन है तो पुट की वी थ्री पुट लिख दी, लेकिन वो जो ऑन है, जो प्रीपोजिशन है, उसको उसी स्थान पर रखना है। ये बिल्कुल आसान है, केवल ये पोजिशनिंग मैंने आपको बताई है। तो इस टॉपिक का नाम होता है प्रीपोजिशनल सेंटेंस। अब इसके बाद में देखेंगे कि जनरली आपने कितने सारे वाक्य देखे, पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक हो रहा है, तो इसमें लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं कि जिनमें बाय का प्रयोग नहीं होता है, तो वो अलग से आपको उनकी लर्निंग करनी पड़ेगी। तो इस टॉपिक का नाम है कि वेयर बाय इज नॉट यूज्ड, वो जो मेन वर्ब्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उन मेन वर्ब्स में अगर वो मेन वर्ब आती हैं एक्टिव वॉइस में, तो पेसिव बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, वो आपको याद होना चाहिए, अन्यथा वो पेसिव वॉइस गलत माना जाएगा। तो अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो आप प्रारंभ करते हैं टॉपिक है कि वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। कुछ मेन वर्ब्स ऐसी हैं जिनको अलग से ध्यान रखना है कि उनमें पेसिव बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं होता, उसके स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड, इनके साथ एट का यूज होता है। नॉन और ओबलाइज्ड, अगर ये आते हैं तो इनके साथ टू का यूज होता है। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड, इनके साथ विद का यूज होता है। अब डिसअपॉइंटेड इधर भी है, इधर भी है, मतलब इसमें ये दोनों करेक्ट माने जाएंगे, एट भी करेक्ट माना जाएगा और विद भी करेक्ट माना जाएगा। इंटरेस्टेड, इसके साथ इनका यूज होता है। अब किस प्रकार से पेसिव बनता है, एक इजी एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आई नो हिम, ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही प्लस एच वी, नो की वी थ्री, नॉन। अब इसके बाद में जहाँ अपन बाई लगा रहे थे, तो यहाँ आपको ध्यान आना चाहिए कि नॉन के साथ तो टू का यूज होता है, तो ही इज नॉन टू, और ये आई इधर आएगा तो इसका बन जाएगा मी। तो केवल इन शब्दों की आपको लर्निंग होनी चाहिए, और मोस्टली तो बाय का ही यूज होता है। केवल ये थोड़े बहुत शब्द हैं जो आपको याद करने हैं कि अगर ये शब्द आ जाते हैं एक्टिव वॉइस में तो पेसिव बनाते समय फिर बाय के स्थान पर कौन सा दूसरा प्रीपोजिशन यूज होगा।
तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब लास्ट सब टॉपिक इसमें बचता है पैसिव ऑफ नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट्स। अब इसको प्रारंभ करते हैं कि पैसिव ऑफ नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट्स, इसमें आपको इस टॉपिक में पांच मेन वर्ब मिलेंगी। एक तो से, बिलीव, एक्सपेक्ट, फील और थिंक, ये पांच मेन वर्ब आपको इसमें मिलेंगी। अब मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे दे से दैट इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री, पावरफुल कंट्री, दे से दैट इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री। अब इसको पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करना है। ये जो इधर दैट से शुरू हो रहा है ना, ये नाउन क्लोज है जो दैट से शुरू हो रहा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। जो दैट से शुरू हो रहा है ये नाउन क्लोज है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इधर जो लिखा हुआ है जिसको अपन मेन क्लोज कहते हैं, इसमें करना है चेंज, केवल इसका पैसिव बनाना है। तो जैसे दे से, अब से तो वी वन है, तो अगर यहाँ वी वन या वी वन में एस या ई एस दिखाई देता है तो फिर वो तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ वी टू दिखाई दे तो पास्ट का स्ट्रक्चर है, या सेल या विल प्लस वी वन दिखाई दे तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। तो केवल इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो दे से इट लगाना है शुरू में, इट इज सैड, और इसके बाद में ये दैट से पूरा उतार देना है। इट इज सैड दैट इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब अगर मान लो ये वाक्य ऐसे होता है कि दे विल से, तो इट विल बी सैड। अगर ये होता कि दे सैड, मतलब सेकंड फॉर्म, तो इट वाज सेड, मतलब प्रारंभ हमेशा इट से ही करना है। अब इट तो एक वचन का प्रतीक है। अब अगर प्रेजेंट में चल रहा होगा इधर, तो इट के बाद इज का यूज होगा। अगर पास्ट में चल रहा होगा तो इट के बाद वाज का यूज होगा, और अगर फ्यूचर में चल रहा होगा तो इट के बाद विल बी का यूज होगा। फिर यहाँ पर जो भी मेन वर्ब मिलती है इन पाँचों में से कोई सी भी एक, उसको वी थ्री में चेंज करना ही है, क्योंकि पैसिव में वी थ्री का प्रयोग होता है। मान लो यहाँ से मिला तो सेड, बिलीव मिलता तो बिलीव्ड, एक्सपेक्ट मिलता तो एक्सपेक्टेड, फील मिलता तो फेल्ट, और थिंक मिलता तो थॉट। तो ये इस प्रकार से दैट से शुरू होता है नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट्स। अब इधर का मेन क्लोज है, तो आपको तो केवल ये जो मेन क्लोज है इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, जिसका इजिएस्ट वे मैंने आपको बताया। इधर जो भी सब्जेक्ट आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, पैसिव बनाते समय हमेशा इट से प्रारंभ करना है। अब इसके बाद तीन ही ऑप्शन बचे बस। अगर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है तो इज, पास्ट का स्ट्रक्चर है तो वाज, और फ्यूचर का स्ट्रक्चर है तो विल बी। इसके बाद में जो भी मेन वर्ब है इन पांचों में से कोई सी भी एक, उसको यहां पर वी थ्री में कन्वर्ट करके लिख देना है। और इसके बाद में दैट से, यहां से पहचान है नाउन क्लोज प्रारंभ हो रहा है, फिर दैट से विदाउट एनी चेंज पूरा सेंटेंस उतार देना है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो सब टॉपिक्स थे उसके पार्ट वन का मेरा वीडियो पहले आ चुका है, आज है पार्ट टू, और ये टॉपिक आज समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको पूरे टेंस और जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बताया है। अब आपको ग्रामर से इनकी एक्सरसाइज भी हल करनी है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक खोलिए ग्रामर में, और पीछे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई हैं उन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हल कीजिए, फिर इसके बाद उनके आंसर्स मैच करके देखिए, तो आपकी और अच्छी इसमें प्रैक्टिस होगी। अब आज के जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्रीपोजिशनल सेंटेंस है, पैसिव ऑफ नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट्स है, या इंपरेटिव सेंटेंस है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।
मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।